यहाँ उपस्थित परम सम्मानित मंच, मेरे परिवार जन, मेरे मित्रगण, वो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हुए आप लोगों से डायरेक्ट बात करना चाहूंगा। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। बच्चों उसी तरह से आपको पता नहीं कि आप क्या हो। हर माँ के धड़कते दिल की धड़कन हुआ, हर माँ के धड़कते दिल की धड़कन हुआ, हर पिता के मन का दृढ़ विश्वास हुआ, हर पिता के मन का दृढ़ विश्वास हुआ, और हर भाई और हर बहन का एक हाथ हुआ। क्या हो, समझ में आया आपको आप क्या हो? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं जो आपके आपको बता रही हूं कि आप कौन हो। मैं आपको बताऊं बच्चों, मैं उस बच्चे की माँ हूं जिसने आज के ही दिन, आज के 2 साल पहले अपने बेटे को खो दिया। मेरा बेटा 22 साल का था, उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की नहीं थी, उसी के पहले उसके जॉब चल रहे थे। जॉब को लगे हुए 2.5 महीने ही हुए थे और उसका प्रमोशन हो गया। उसके प्रमोशन की चेकिंग हमारे चली रही थी और उसकी मौत की खबर हमें मिली। सोचो उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला होगा, शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस दुख को कम करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आई हूं कि अगर ये ट्रैफिक रूल्स, ये सब कुछ जो यहाँ TI साइंस बताए, अभी ये सर भी आपको बताएंगे, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो शायद आप लोगों में से किसी बच्चे की जान बच पाए। इसी उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आई हूँ कि अगर एक भी बच्चे की जान बच जाती है तो मैं अपने आप को थोड़ा फ्री फील करूंगी कि ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ कर पाए। बच्चों जब आप गाड़ी चलाते हो, जब हमने देखा है रेस राइडिंग जो होती है, मतलब बच्चे हम निकलते हैं मार्केट से तो ऐसे ऊपर थापड़ तरीके से बिल्कुल पैर गाड़ी के ऊपर होते हैं, हाथ छोड़ के अलग अलग तरह से गाड़ियां चलाते हैं। क्या उस वक्त आपको पता होता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसने आके आपको धक्का मार दी तो आप क्या करोगे? बच्चों आप तो नहीं रहोगे, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपकी जान चली जाए। आपको पता नहीं है कि मेरी जान चली गई या पीछे से क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, लेकिन आपका परिवार पूरा खत्म हो जाता है। सोचा ऐसा आपने कभी कि मैं गलती कर रहा हूं लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा? अगर आप बाइक की स्पीड कम रखोगे तो आप अपने आप को संभाल सकते हो, आप हेलमेट पहन लोगे तो भी आप अपने आप को संभाल सकते हो, और आपके सिर में जो एंजरी होगी तो वो कम होगी और आप बच सकते। दूसरा, आपके पेरेंट्स गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में सीट बेल्ट होती है लेकिन शायद तो बांधते नहीं है, अक्सर लोग बांधते नहीं है सीट बेल्ट में। अगर आप अपने मदर फादर को बोलो कि वो सीट बेल्ट लगा, अगर सीट बेल्ट लगाते हो तो दुर्घटना से बच सकते। आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि जैसे ही सावन आता है, बारिश आती है, पानी में खेलने कूदने के लिए बच्चे चले जाते हैं। उस वक्त भी ये नहीं सोचते कि मैं गहरे पानी में जा रहा हूँ, और बेचारे मम्मी पापा को तो न्यूज मिलती है कि 3 बच्चे डूब गए, 2 बच्चे डूब गए, क्या हो रहा है ये? आप लोग क्यों नहीं समझते कि हमें क्या करना चाहिए? आप कुछ भी करते हो उसके पहले अगर थोड़ा सा सोच लो कि हमें क्या करना है और कैसे करना है तो शायद आप दुर्घटना से बच सकते हो। बच्चों आपने सोचा है कि आपका ये शरीर किसके देन है, बता सकते हो? बोलिए, किसके देन है शरीर? आपके माँ बाप, सही है? आपके अंदर जो दिल धड़कता है वो किसके देन है? बोलो, अपने माँ बाप। जब आपके शरीर पर आपका अधिकार नहीं है तो आप उसके साथ रिस्क कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। अभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब ने बताया आपके हमें साहब के समझ में आ रहे थे कुछ, और अब मैंने समझाए वो आया समझ में, कुछ तो लगा होगा कि वास्तव में हम कितना
जब आपका शरीर आपका नहीं है तो आपके आप